मॉर्निंग. अभी हम बायो शुरू कर लेते हैं. क्या है बायोलॉजी? जीव विज्ञान. स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट्स कॉल्ड बायोलॉजी. सर दो पार्ट्स आ जाते हैं इसके. सुनिए ना सर. सर हाँ जी सर, ये रबर का बताइए ना, मोनोमर क्या होता है? रबर का मोनोमर? हाँ देखो, दो तरीके की रबर होती है. एक सिंथेसाइज्ड रबर होती है और एक होती है नेचुरल रबर. रबर का मेरे पास अभी मोनोमर है नहीं है एग्जैक्ट, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा. ठीक है, वो आप उन नोट्स में से या वैसे आप चेक कर लेना. ठीक है सर, इसमें नहीं है. इसमें नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा फिर, क्योंकि मेनली जो आपके इसमें आते हैं टेफ्लोन, रेनोन, बेकेलाइट. हाँ वो सब है सर. पीवीसी है ये वाले? हाँ. ल्यूसाइट सर, आइसोप्रीन होता है क्या? ठीक है, ये वाले आप जरूर याद कर लेना. ठीक है. बोटनी क्या होती है? वनस्पति विज्ञान. स्टडी ऑफ वो नेचर प्लांट सर. प्लांट्स. और जियोलॉजी? नेचर स्टडी ऑफ जीव विज्ञान. स्टडी ऑफ यह सर एनिमल्स. एनिमल्स ठीक है. और फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु सर. अरस्तु. बायो में आपकी जितनी मैक्सिमम चीजें आएंगी वो याद करने वाली आएंगी, तो इसमें आपको थोड़ा सा रटने की चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि तो समझने को इसमें कुछ नहीं है. वही चीजें हैं कि भाई हाँ ये नाम ही चल रहे हैं उसमें, तो कि बॉडी के पार्ट्स हैं अलग अलग, वो नाम हैं, तो वो आपको याद रखने हैं ज्यादा से ज्यादा. जैसे हमने केमिस्ट्री में किया था कि बेसिक यूनिट जो किसी भी सब्सटेंस की है वो क्या है, जिससे सब कुछ बना है? हाँ सर, वो परमाणु है सर. एटम. एटम ठीक है, परमाणु. उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल. 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 किसने डिस्कवर किया था ये? ये रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने. हाँ सर. ठीक है, किसके अंदर किया था सबसे पहले? कॉर्क की पतली कॉर्क के अंदर. वुड कॉर्क के अंदर. ठीक है, ये चीजें आपको वही रटने वाली चीजें हैं इसमें मैक्सिमम. आपकी सेल से जुड़ के क्या बनता है? टिश्यू. और टिश्यू से जुड़ के क्या बनता है? ऑर्गन. 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 और ऑर्गन से जुड़ के ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम से पार्ट अंग. ऑर्गेनिज्म. इसमें भी ज्यादातर जो नाम आते हैं इसमें हमारे,
वो इंग्लिश और हिंदी में 70% सेम रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी बोलेंगे, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलेंगे। तो वो कंफ्यूज मत होना कि हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या। अब सेल किया हमने, सेल दो तरीके का होता है, ब्लड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये भी हिंदी में यही नाम लिए जाते हैं। हाँ सर, प्रोकैरियोटिक क्या होता है सर? ये सेवाल वाला जो है सर, सिंगल सेल सेवाल जो है, वो सबका जो बना था ना कोशिका सेल से, यो प्रोकैरियोटिक से बना होता है, प्रिमिटिव होता है ये, कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होती इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके अंदर। और यूकैरियोटिक कौन सा होता है? न्यूक्लियर आता है और ये मानव सब। हाँ, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? साइज का। प्रोकैरियोटिक का होता है 1 to 10 माइक्रोन और इसका होता है 5 to 100 माइक्रोन। नॉर्मल सा अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ये प्रोकैरियोटिक का हो गया जर्नल सिंपल, किसी भी नॉर्मल फॉर्म में हो गया, और वहीं ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया इसका। इसमें अलग अलग जो मैंने सेल बोला, सेल के जैसे हमने एटम में किया था ना कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे ही सेल के जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक में क्लियरली डिफरेंस नहीं होता ऑर्गेनेलीज का, कि अलग अलग जैसे अलग अलग ऑर्गेनेली है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जिसका सबका अपना अपना एक अलग फंक्शन है, अलग काम करती है वो। माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग काम करेगा, वैक्यूल अलग काम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग काम करेगा, राइबोसोम्स जो है वो अपना अलग काम करेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें इस तरीके का अलग अलग ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं।
और इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक ही बोला जाता है क्योंकि वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो रखी होती उसकी। सर 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 जी इसमें 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, इसमें 80 टाइप्स के होते हैं। सर बोलिए सर, प्रोकैरियोटिक का 3-4 को एग्जांपल दीजिए सर। वो अमीबा और सर वो और सर प्रोटिस्टा, फंगस और यूकैरियोटिक में प्लांट एनिमल जितने भी सब हैं वो यूकैरियोटिक हैं। लिख लिया ये? हाँ सर। अब यूकैरियोटिक के ही दो मेन पार्ट्स आते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल जो प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल जो ह्यूमन में या बाकी एनिमल में रहता है, लायन एलिफेंट सब। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेनली? सर इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है सर, बिल्कुल में, और हाँ, इसमें पाया जाता है। हाँ सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर, सेल मेम्ब्रेन मैंने ये लिखी है कि जो ये आउटर लेयर है इसकी जो कवर की हुई है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इससे एक्स्ट्रा इसके ऊपर सेल वॉल होती है। प्लांट में वो एक्स्ट्रा लेयर होती है, एनिमल में नहीं होती। और क्या डिफरेंस होता है इनमें? राइबोसोम एब्सेंट रहता है उसमें। राइबोसोम एब्सेंट रहता है? हाँ सर। वैक्यूल का साइज लार्ज होता है इसमें, और इसमें स्मॉल साइज रहता है वैक्यूल का। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट यूज होता है हमारा, ग्रीन पिगमेंट, वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता।
ये शेप चेंज नहीं कर पाते सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल हार्ड होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और वही एनिमल सेल जो है वो शेप अपनी चेंज कर पाता है। ठीक है, लिख लिया ये। अब सेल की सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, उनके बारे में पढ़ने की, उनका क्या क्या काम रहता है। हमने यहाँ पे सेल देखा था, जितना भी इसके अंदर सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जितने भी न्यूट्रिएंट्स और चीजें हैं उसके फ्लूइड के अंदर, वो साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये चीज है सर, हिंदी से क्या नाम है उसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यही बोलते हैं, आप चेक कर लो चाहे, यही बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया। सर काम है इसका शेप देना एंडोप्लाज्मिक का? क्या काम है? शेप, शेप देना। दो तरीके का होता है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, शेप इसकी ट्यूब लाइक शेप होती है। रफ पे राइबोसोम्स लगे होते हैं और स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं होते। राइबोसोम्स लगने की वजह से ही इसको रफ बोला जाता है, जो जैसे मैंने इसके ऊपर हल्के हल्के डॉट्स लगाए थे, ये चीज। अब इसमें राइबोसोम्स ही आ जाता है। राइबोसोम्स किस काम आते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन के। जो भी हमारे सेल में प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। तो इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम आता है? प्रोटीन फॉर्मेशन की हेल्प प्रोवाइड करता है।
और स्मूथ वाले क्या काम आते हैं? फैट और लिपिड्स जो फॉर्मेशन होती है उसकी बनाने में काम देते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस ये किस काम आता है? ये पैकेजिंग के काम आता है। ये क्या करते हैं, जितना भी प्रोटीन फैट और ये सब बना वो अलग अलग पैकेट्स में बनाना और सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स में प्रोवाइड करना और उससे बाहर भेजना, किस तरीके से, वो गोल्जी बॉडी का काम होता है। स्टोरेज करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा और ट्रांसफर करेगा एक दूसरे से जगह, वो गोल्जी बॉडी करेगा। सर हाँ जी सर, इसको खोज करने वाला साइंटिस्ट जो गोल्जी है वो उसी के साइंटिस्ट के नाम पे ही उसका नाम रखा गया है। ठीक है सर। कैमिलो गोल्जी। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं लाइसोसोम्स। स्मॉल पैकेट्स रहते हैं छोटे छोटे यहां पे, उनको लाइसोसोम्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम करते हैं सर? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं सर, ये इसको आत्मघातिक थैली कहते हैं सर, लेकिन लाइसोसोम्स बोल रहा हूं। जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारा बचता है सेल के अंदर, वो डिकम्पोज करना, डिपोज करना इनका काम होता है, लाइसोसोम्स का। ये केमिकल एंजाइम्स रहते हैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में इसमें, तो क्या होता है, जो भी चीज इसमें चली जाती है वो खत्म हो जाती है, और इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स? क्या हुआ, कई बार सेल पे घर्षण लगी, थोड़ा बहुत टूट गया फूट गया, तो जिसकी वजह से अगर लाइसोसोम भी टूट जाए तो जो इसके अंदर केमिकल है, केमिकल एंजाइम्स जो इसके अंदर है, वो सेल के अंदर फैल जाएंगे, और सेल के अंदर फैल जाएंगे तो सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स अलग अलग है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जितनी भी चीजें हैं, उनको भी वो डिकम्पोज कर देगा, उनको भी खत्म कर देगा, तो मतलब ये अपने आप को, अपने ही सेल को मार देगा, वो अपने आप को मारना क्या कहते हैं, सुसाइड, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो ये आपका नाम से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सुसाइडल बैग्स, तो लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं, वो वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जितने भी सेल के अंदर का वेस्टेज बची वो उनके अंदर जाता है और डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है।
उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या काम आता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस, जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होती है हमारी सेल के अंदर, जो यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसकी खास बात क्या होती है? इसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि विच सेल ऑर्गेनेली कैन हैव इट्स ओन डीएनए, कि अपना खुद का डीएनए किस सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट हो सकता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा एक और इसका इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये अकेला फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि सेल में और चीजें ना हो, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग से मिल सकता है। जैसे बैक्टीरिया अलग से एक ऑर्गेनिज्म हो गया, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया अलग से पाया जा सकता है। ये इसकी खासियत है, दो चीजें ध्यान रखना है, फ्री स्टेट में मिल सकता है और दूसरा इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये भी पावर हाउस से भी क्वेश्चन आता है, विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है, इसमें दो लेयर रहती हैं, आउटर और इनर, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ये। और साथ में डीएनए के साथ राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर खुद के, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आते हैं। सर, हाँ जी सर, माइक्रोकॉन्ड्रिया का फ्री स्टेट में होने का क्या मतलब है सर? जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस अलग से पाए जाते हैं ना, yes, जैसे ये देखो सेल है एक, यस सर, अब सेल में न्यूक्लियस है, वो खाली न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पूरा सेल मिलेगा। लाइसोसोम अलग से कहीं फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, मिलेगा तो सेल के अंदर मिलेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जैसे अलग से सेल पाया जा सकता है, यूनिसेलुलर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस है, उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अलग से फ्री स्टेट में पाया जा सकता है सर। ठीक है सर। हाँ जी, ये एक कोशिका में एक से भी ज्यादा रह सकता है? हाँ, एक से ज्यादा ही होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कई माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ठीक है, उनका जो ग्रुप हो जाता है उसको हम एक साथ बोल देते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्लोरोफिल जो बोलते हैं हम, ग्रीन पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम होता है, वो प्लास्टिड्स के अंदर ही होता है। इसीलिए इसके दो चीजें आती हैं, क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? वो कलरफुल होता है और ये व्हाइट कलर का होता है। सर सर सर, जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें डिफरेंट कलर्स का होता है, उनमें से जो ग्रीन कलर का क्रोमोप्लास्ट रहता है उसको हम क्लोरोफिल बोल देते हैं, और जो व्हाइट पिगमेंट उसमें रहता है उसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोल देते हैं। सर, हाँ जी, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट होने का रीजन क्या है? कुछ नहीं है उसमें अलग, जैसे कोई भी कलर किसी चीज में आ रहा है,
कोई भी कलर आ रहा है वो उसके केमिकल्स की वजह से आता है, और केमिकल्स में जो कलर आता है वो दो चीजों की वजह से आता है, या तो एरोमेटाइजेशन हो रही है उसके अंदर, या फोटोसिंथेसिस होने लग रही हो, ठीक है। तो अगर इसके अंदर जिन केमिकल्स के अंदर एरोमेटाइजेशन हो रही होगी उनके अंदर डिफरेंट कलर्स आएगा, और जिनके अंदर नहीं है तो वो व्हाइट कलर हो गया। सर उसमें कुछ पाया जाता है अंदर जो व्हाइट कलर का? व्हाइट कलर का पिगमेंट होता है वो, जो व्हाइट कलर वाले पिगमेंट होते हैं उनको हम ल्यूकोप्लास्ट बोल देते हैं, और जो कलर प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट बोल देते हैं, उनको नाम दिया है हमने, वो व्हाइट की वजह से ही उसको ल्यूको नाम दे दिया है, कलरलेस व्हाइट की वजह से हमने उसको ल्यूको नाम दिया है। और क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, और उनमें जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट बोल देते हैं। ल्यूको मीनिंग व्हाइट होता है और क्रोमो का मीनिंग ही कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा कलर लिखे ऊपर में दिखाई दे रहा है सर? किसका? क्लोरोप्लास्ट का ऊपर ऊपर से कोना में। क्रोमोप्लास्ट कलर, कलर डिफरेंट कलर हो सकते हैं उसमें, उसमें से जिसका ग्रीन कलर जिस केमिकल का होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है सर। एक कलर नहीं होता क्रोमोप्लास्ट में, कई कलर होते हैं, उनमें से ग्रीन जो होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं सर। और इसमें भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम मिलते हैं या मिल सकते हैं। खुद का डीएनए और राइबोसोम। क्वेश्चन में आएगा डीएनए रहता है किस पे प्रेजेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल में तो पाएगा नहीं, एनिमल वाले में तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा सिर्फ प्लांट वाले में। तो आपको अगर ये पूछा गया कि प्लांट सेल, तो उसमें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आएंगे, और आपसे पूछा गया एनिमल सेल तो उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है। या फिर कई बार ये होता है कि उसमें ऑप्शन ही प्लास्टिड का बहुत रेयर दिया होता है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्वेश्चन में ही एनिमल सेल दिया है या प्लांट सेल पूछा है, या फिर ऑप्शंस किस हिसाब से उसने दिए हुए हैं। हाँ दोनों प्लांट सेल पूछा है और दोनों दिए हुए हैं तो दोनों आंसर दोनों ही आएगा, प्लास्टिड भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। उसके बाद इसमें आता है वैक्यूल्स, ये स्टोरेज के काम होते हैं, काम आता है। जो ये बड़े बड़े मैंने ये लिखे हैं बनाए हैं, ये वैक्यूल्स हैं। जितनी फूड फॉर्मेशन हुई राइबोसोम में हुई, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फैट की फॉर्मेशन हुई, जो एक्स्ट्रा चीजें बच गई वो सारी वैक्यूल में आ जाती हैं। तो वैक्यूल जो प्लांट में रहता है वो काफी बड़ा रहता है, इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो 90% एरिया प्लांट सेल का कवर एक वैक्यूल ही कर ले, लेकिन एनिमल सेल में वो 5-10% ही एरिया कवर करता है। तो स्टोरेज के काम आता है ये, प्लांट्स में लार्ज साइज का रहता है, बहुत बड़ा साइज होता है, और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लांट में, एनिमल में नहीं।
उसके बाद न्यूक्लियस जो ये पार्टिकल है। बायो का अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है माइक्रोस्कोप में, किया आप में से किसी ने, तो क्या होता है जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या होगा, एक ये डब्बा सा दिखता है हमें, सेल की सारी चीजें नहीं दिख पाती हैं, एक तो सेल दिख पाता है और सिर्फ न्यूक्लियस उसमें डार्क कलर का दिख पाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ये भी डबल लेयर्ड होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जिसके थ्रू की डीएनए और आरएनए बनता है, जिसके थ्रू हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। और अब डीएनए क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ जीन्स, जिसको कि हम जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं, जीन्स जेनेटिक मटेरियल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये है, इसके ये न्यूक्लियस और इसमें, और इसकी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सर हाँ जी सर, इसको नहीं मिटाइएगा अभी, डीएनए क्या चीज़ से बना होता है? ये वाला नहीं मिटा रहा हूँ, ये लिखते रहिए। हाँ हाँ बोलिए। डीएनए और आरएनए लिखे ना जहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के नीचे, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ जीन्स सिर्फ डीएनए है, आरएनए नहीं है? नहीं। अच्छा वही जानना। सर डीएनए क्या चीज़ से बना होता है? सर आरएनए और डीएनए का थोड़ा सा बता दीजिए ना। वो बताएंगे, आगे बताएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे उनका। सर वो सिर्फ डीएनए इसमें होगा ना, फंक्शनल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबो और राइबोन्यूक्लियोक एसिड, ठीक है? वो उनके यूरासिल और थायामीन और जो बेस एसिड्स है वो बताएंगे आप, ठीक है? आप पहले ये वाले इनके ऑर्गेनेल्स कंप्लीट कर लो। जीन्स के लिए सिर्फ डीएनए रिस्पांसिबल है। हाँ, आरएनए राइबोसोम्स और उनके लिए काम आता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है।
सर सर हाँ सर उसमें सेल मेम्ब्रेन में लिक्विड कितना पाया था सर और प्रोटीन और वाटर से क्या बोल रहे हो सेल मेम्ब्रेन में लिक्विड प्रोटीन वाटर का सर सर मात्रा से किसके अंदर सेल के अंदर से हाँ सर तो वो डिफर करता है अलग अलग में प्लांट सेल में अलग होगा एनिमल सेल में अलग होगा और एनिमल सेल में भी किस एनिमल का सेल है वो अलग अलग वेरी करता है नॉर्मली 70% तक भी होता है 70 to 77% ठीक है वही जहां वैक्यूल आ जाता है प्लांट सेल में तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों हो जाती हैं और जो एनिमल सेल है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहती है जो आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन लिपिड या फिर प्रोटीन की बनी होती है वहीं सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर रहता है मतलब वो एक फिक्स स्ट्रक्चर रहता है अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहता है और जितने भी ट्रांसफर होते हैं हमारे केमिकल्स या पानी वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर या बाहर जाते हैं ठीक है और वहीं बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस बोलने की बजाय न्यूक्लियोइड बोल देते हैं हम क्योंकि कंप्लीट फॉर्म उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो इसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं सर हाँ जी सर सेल डेवलप जो होता है सर उसके बारे में थोड़ा बताएं सेल डेवलप होता है कैसे मतलब डिवीजन होती है वो सेल की माइटोसिस मियोसिस वगैरह वगैरह हाँ सर हाँ तो वो आगे करेंगे ठीक है हाँ 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 ठीक है माइटोसिस मियोसिस वही दो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है ठीक है अब यहाँ पे एक बार ये लास्ट आज का टॉपिक देख लो किंगडम का ऑर्गेनिज्म किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं हम वो एनिमल किंगडम होगा ना क्या एनिमल किंगडम होगा ना ऊपर ऑर्गेनिज्म से ऊपर हाँ नहीं ये एनिमल किंगडम नहीं है कंप्लीट किंगडम है एनिमल और प्लांटिया तो अलग अलग आएगा हमारा आखिरी में अच्छा ठीक है ना
सर हाँ जी सर वो नीचे नहीं दिख रहा है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस के नीचे दोनों साइड ऑर्गेनिज्म है कोई भी वो दो चीज तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या तो प्रोकैरियोट्स जिन्हें प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं जिनको कि नाम हमने दे दिया मोनरिया। वहीं यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं उनको हमने नाम दे दिया प्रोटिस्टा। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम, जिनके अंदर सेल वॉल होती है और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं रहती। जिनके अंदर सेल वॉल नहीं रहती उनको हमने बोल दिया एनिमिलिया, एनिमल्स जो रहते हैं। और जिनके अंदर सेल वॉल होती है उनमें भी दो तरीके की डिवीजन हो जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं वो प्लांटिया प्लांट्स, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते वो फंगस। सर हाँ जी इधर क्या लिखा सर प्लांटिया परफॉर्म और आगे सर ये उससे आगे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ये हाँ सर ठीक है सर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सर, जो मोनेरा जगत में क्या क्या आते हैं क्या मोनेरा जगत में क्या क्या आते हैं मोनेरा में अमीबा वगैरह सर मोनेरा जगत में क्या क्या आते हैं एनिमल अमीबा 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 हाँ सर फंगी और प्लांट क्या नाम है सर फंगी की तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं ग्रीन ब्लू एल्गी वगैरह वगैरह और प्लांट्स में जितने भी हमारे प्लांट्स वाले किंगडम आ जाते हैं जितने भी प्लांट्स हैं हमारे अलग अलग तरीके के वो आ जाते हैं। एनिमिलिया में जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं। सर हाँ सर वो कवक में फोटोसिंथेसिस नहीं होता सर क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता कवक में सर फंगी हाँ नहीं होता फोटोसिंथेसिस नहीं होता ठीक है जो परफॉर्म नहीं कर पाते वो ही फंगी की वैरायटी बोली जाती है ठीक है हाँ सर अब नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे वो टिश्यू एनिमल और प्लांट और उसके साथ हमारे रहेंगे ऑर्गन सिस्टम और सेल डिवीजन और ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो रहेंगे ठीक है। तो आपको अगर रिवाइज करके आना है तो एक बार वो रिवाइज करके आ सकते हैं।